दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अलंकार अलंकार का अर्थ परिभाषा और भेद वीडियो के अंत में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में हम सीखेंगे अलंकार अलंकार का अर्थ परिभाषा और भेद आइए स्टार्ट करते हैं अलंकार का अर्थ अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना यदि प्रश्न पूछा कि अलंकार का अर्थ है चार ऑप्शन दे दिए तो आप उसमें करेक्ट करेंगे आभूषण या गहना जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है ठीक है जिस प्रकार से शरीर की शोभा किससे बढ़ती है आभूषण से बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है काव्य क्या है यह रसयुक्त वाक्य ही काव्य है रसात्मकम वाक्यम काव्यम ठीक है अलंकार शब्द का अर्थ वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो ठीक है अलंकार का अर्थ जो अलंकार शब्द का अर्थ है वो होता है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो उसे अलंकार कहते हैं आपको एक बात यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है अलंकार शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो साधारण बोलचाल में आभूषण को अलंकार कहते हैं मतलब कि जो साधारण बोलचाल है उसमें हम आभूषण को क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है कहने का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार से यदि कोई नारी आभूषण पहनती है आभूषण धारण करती है तो उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है ठीक उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ जाती है अगर कोई व्यक्ति या कोई कवि कविता करता है तो उसमें अलंकार का वह प्रयोग करता है जिससे क्या होता है कविता की शोभा बढ़ जाती है जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से नारी की शोभा बढ़ती है अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं अब हम देखते हैं अलंकार की परिभाषाएँ परीक्षा में कई बार अलंकार की जो परिभाषाएँ हैं वो दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है ठीक है तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं को याद रखें सबसे पहली परिभाषा इस प्रकार है कथन के असाधारण या चमत्कार पूर्ण प्रकारों को अलंकार कहते हैं पहली परिभाषा में क्या बताया कोई भी कथन है उसका असाधारण या चमत्कार पूर्ण जो प्रकार है उसको हम अलंकार कहते हैं दूसरी परिभाषा है शब्द और अर्थ का वैचित्र अलंकार है शब्द और अर्थ का जो वैचित्र है वो क्या है अलंकार है शब्द और अर्थ में जो विचित्र युक्ति पाई जाती है उसको अलंकार कहा है और अगली परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं ठीक है परिभाषा जो ये दे रखी है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है उन परिभाषाओं को शामिल किया है एक बार पूछा गया था शब्द और अर्थ का वेचित्र है तो क्या है अलंकार है ठीक है और कई बार पूछा गया था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं तो उसमें भी आपको याद रखना है अलंकार कहते हैं इसके बाद में अगली जो परिभाषा है वो आपकी इस प्रकार है काव्य की शोभा की वृद्धि करने वाले शब्दार्थ के अस्थिर धर्मों को अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा की वृद्धि करने वाले शब्दार्थ अब यहाँ पर शब्दार्थ बताया है शब्दार्थ के अस्थिर ठीक है जो स्थिर नहीं है ऐसे धर्मों को अलंकार कहते हैं अतः हम कह सकते हैं कि कथन के असाधारण या चमत्कार पूर्ण प्रकारों का अलंकार कहते हैं शब्द और अर्थ का विचित्र अलंकार है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं या की की वृद्धि करने वाले शब्दार्थ के धर्मों को अलंकार कहते हैं अब हम जानेंगे अलंकार के भेद अलंकार के तीन भेद होते हैं एक तो शब्द अलंकार अर्थ अलंकार उसके बाद में और फिर उभिया अलंकार इन तीनों भेदों के भी भेद होते हैं ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से अलंकार के कई भेद होते हैं लेकिन यदि पूछा गया कि अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं शब्द अलंकार अर्थालंकार और उभिया अलंकार ठीक है सभी सभी याद रखें आप शब्द अलंकार अर्थालंकार उभिया अलंकार अब हम जानते हैं इन तीनों अलंकारों की परिभाषा ठीक है जो शब्द अलंकार हमें दे रखा है ये समझें आप सभी शब्द अलंकार किसे कहते हैं काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है काव्य में किसके द्वारा शब्द विशेष के द्वारा यदि सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है कोई भी किसी भी कवि ने यदि कविता पढ़ी उसमें शब्द विशेष के प्रयोग से उसने उस कविता का सौंदर्य बढ़ा दिया तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर शब्द अलंकार है जैसे माला फेरत झुक गया न मन का फेर करका मन का डायरी के मन, मन का मन का फेर अब इसमें इन शब्दों के माध्यम से मन का जो ये शब्द दे रखा है इनके माध्यम से यहाँ पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है अतः हम कह सकते हैं कि ज़्यादा शब्दों के माध्यम से यदि शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है अब हम बात करते हैं अलंकार की काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अलंकार होता है काव्य में जहाँ पर शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है जैसे मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हो यहाँ पर क्या है अर्थ अलंकार है क्योंकि बालक राम चंद्र खिलौना की मांग कर रहे हैं अपनी माँ से तो इसमें शब्दों का जो अर्थ है इससे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ अलंकार है इसके बाद में उभय अलंकार जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभया अलंकार होता है यदि शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है किसी भी काव्य में किसी भी कविता में तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उभय अलंकार है जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए यहाँ पर शब्द और अर्थ कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है इसलिए यहाँ पर उभया अलंकार है अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अलंकार के भेद हैं शब्द अलंकार अर्थ अलंकार और उभय अलंकार इनके कौन कौन से भेद होते हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण थैंक्स फॉर वॉचिंग